बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में दोस्तों। आज हम लेकर आए जो चित्रकला का कक्षा 10 का पेपर हुआ है, कोड है 830 IQ है ना 936। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है। सारे बार बताना चाहूंगा आप पे कितने नंबर आए हैं, ये आप कमेंट करके नीचे जरूर बताएंगे। ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व कराते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है तटस्थ रंग कितने होते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। तटस्थ रंग दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सफेद और काला है ना। उसके बाद आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। दूसरा नंबर क्या है कि ओस्टवार्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं, तो यहाँ पर कितने रंग होते हैं भाई, 8 ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। तीसरा क्वेश्चन है कितने द्वितीयक रंग होते हैं, तो द्वितीयक रंग कौन से होते हैं, 4 होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन इसलिए 6 मान लेंगे। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा, तो यहाँ पर केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होगा। निम्न में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर 6 नंबर का ब्रश सबसे मोटा होगा। निम्न में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइनें जो होती हैं वो हल्की होती हैं, देखो 9H सबसे जो है हल्का होगा, इतना कम होता जाएगा, तो यहाँ पर H लिखा हुआ है, 2H सबसे हल्का होगा। नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, तो नीला रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। 8वां नंबर की बात करें, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है, तो प्राथमिक कौन सा है, लाल यहाँ पर प्राथमिक रंग है। आगे बात करें कितने प्राथमिक रंग होते हैं, तो 3, कौन कौन से होते हैं, लाल पीला और नीला। उसके बाद बात करें किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी होती है, तो कौन सी गहरी होती है, 2B यहाँ पर गहरी होती है। इनमें से द्वितीयक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है, द्वितीयक रंग कौन सा है, यहाँ पर नारंगी। नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो नीले में लाल मिला देंगे भाई बैगनी बनेगा। पीले में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, तो हरा रंग बनेगा। सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, 7 पाए जाते हैं। और उसके बाद बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, तो भाई यहाँ पर पेस्टल रंग लगाया जाता है। कला शब्द किस भाषा का जो है शब्द है, तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो नारंगी रंग बनता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है भाई, बहुवर्णीय है। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है किस लिए, तो साड़ी की किनारी के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बात करें उसके बाद जो है सबसे आखिरी क्वेश्चन की, 20वें नंबर की, आकृतियों की पुनरावृत्ति के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं, तो ट्रेसिंग पेपर के लिए प्रयोग करते हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और